Welcome to RE classes, and this is a session of Polity. Now we have discussed in the first lecture acts and regulation, and we have seen what type of the acts and regulation which emerge with the time. Now there are some important points which is very important for the exam, and there are so many factual questions which asked directly in UPPCS and UPSC also. तो पढ़ते हैं जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को. पोल नंबर वन है हमारे पास. इट वाज 1934 दैट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज फर्स्ट फॉरवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय द एमन रॉय ए पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. पहली बात तो आप ये याद कर लो कि 1934 के अंदर 1934 के अंदर पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया है वॉज अ पुट बाय द एमन रॉय एंड एमन रॉय वाज द कम्युनिस्ट मूवमेंट. ये क्वेश्चन ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पीछे 2018 में आ चुका है. ठीक है. 1935 के अंदर द 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा, पहले एमन रॉय ने 1934 में बात करी 1934, एंड 1935 के अंदर मतलब 1935 के अंदर फिर INC ने डिमांड करी कि नए भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए. 1938 के अंदर 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. उसके बाद फिर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और जिसके अंदर भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है. पहली बार 1934 के अंदर एमन रॉय ने करे आइडिया पुट करा. उसके बाद 1935 के अंदर INC ने पुट करा. INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. 1938 के अंदर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने. तो आप ऐसे याद करो, एमन रॉय, INC, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट चलते हैं. द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नोन द अगस्त ऑफर. जब इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया ब्रिटिश ने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, उसे हम कहते हैं अगस्त ऑफर. ठीक है, 1940 के अंदर ये डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, इसे हम कहते हैं अगस्त ऑफर. दिस इज कॉल्ड अगस्त ऑफर. ठीक, 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स कम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू अडॉप्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू. अब अगस्त ऑफर के बाद वहाँ से जहाँ से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्रिप्स मिशन भेजा. क्रिप्स मिशन ने कहा ठीक है भाई, तुम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहते हो तो यू कैन डू, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू होने दो, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो. पर दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग विच वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू टू ऑटोनोमस स्टेट. पर ये क्रिप्स ने जो क्रिप्स प्रपोजल है सब रिजेक्ट कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने कहा था कि भाई हमें अलग स्टेट चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए. फाइनली उसके बाद क्या हुआ, जब अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया और वो फेल हो गया, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन आया और उसने ये तो आइडिया हटाई देते कि दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो मतलब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर. तो क्रिप्स मिशन को फिर बाद में थोड़ा सा मोर और लेस इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग और हिंदू. उसके बाद ये एक फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई. ठीक है, तो आप क्या करो, याद करोगे कि एक डिमांड, इस डिमांड को एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1940 विच इज़ कॉल्ड अगस्त ऑफर. आफ्टर दैट अ क्रिप्स मिशन वॉज सेंड टू इंडिया, बट इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज दे पुट अ डिमांड दैट प्रपोजल ऑफ द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, इट वॉज टोटली रिजेक्टेड बाय द INC एंड मुस्लिम लीग आल्सो. इसके बाद कैबिनेट मिशन आया विच इज़ लेस और मोर एक्सेप्टेड बाय द बोथ. ठीक है, दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पूरी चीज़ समझा दिए. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस प्लान के अंतर्गत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 के अंदर. 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, ये आपको याद होगा. अब जो यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट थे, हमारे पास दे अलॉटेड द स्टेट, अब उनको जो पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सीट अलॉट हुई. रफली 1 सीट वाज अलॉटेड टू द एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन. 1 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर 1 सीट अलॉटमेंट की थी. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. ये भी हो चुका है, ये दोबारा रिपीट किया. चलिए आगे बढ़ते हैं. सीट अलॉटेड टू द ईच ब्रिटिश ब्रिटिश स्टेट वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़. जो सारी सीट थी वो 3 जगह डिवाइड हुई थी. पहले थी मुस्लिम, सिख और जनरल, मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ के जो भी थी वो हमारे जनरल थे. ठीक है,
चलिए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वॉज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे पास बड़े स्टेट थे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जब वहाँ चुनी गई थी तो वहाँ के लोगों ने ही उसको इलेक्ट किया था। चलिए ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली मतलब छोटे स्टेट जो थे, वॉज नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। छोटे स्टेट के अंदर तो वहाँ के जो हेड हुआ करते थे उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, और जो बड़े स्टेट थे, जो बड़ा पार्ट था, उसके अंदर वहाँ के मेंबर कम्युनिटी ने उसको इलेक्ट किया। इसका मतलब है इट वॉज अ वेरी क्लियर डैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम जितने भी लोग चुने गए थे पार्शली नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड कौन थे हमारे पास? जो छोटे एरिया के थे। छोटा एरिया हमारे पास कौन सा था? प्रिंसली स्टेट। और जो बड़ा वाला है वो हमारे पास वहाँ से इलेक्टेड थे। चलिए, यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंसीज वर हेल्ड द 1946 एंड INC won 2208 सीट एंड मुस्लिम लीग 73। जब ये हमारे पास जब ये इलेक्शन हुआ था उसके अंदर कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी, पेपर मार चुका था बंद पीसेस के अंदर, और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट इंपॉर्टेंट पर लेकिन पढ़ सकते हो। ऑल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। द असेंबली कंप्रेसेस द ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख पार्शली एंग्लो इंडियन एंग्लो क्रिश्चियन SC एंड ST इंक्लूड द वुमेन्स। कह रहे हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो या डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल्स के, मतलब लोगों ने डायरेक्ट इसमें चुनाव नहीं किया था। उसके अंदर ये भी इस बेस पे भी इसमें जो थे जो लोगों ने वोट दिया था उसके भी क्राइटेरिया थे, मतलब जो पढ़ा लिखा था, जिन पर ज़्यादा ज़मीन थी, इस तरह क्राइटेरिया थे। तो इसलिए कहते थे कि वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थे पूरे पीपल्स के, सब वहाँ के लोगों ने चुनाव दिया हो, उसके बावजूद भी इस सोसाइटी के अंदर एक हारमोनी थी, मतलब उसके अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओल्ड कम्युनिटी वॉज देयर। तो कहते हैं कि कौन सी असेंबली यहाँ पर सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ताकि जबकि वहाँ पर इलेक्टेड पीपल्स ने इलेक्टेड भी नहीं थे तब भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये टॉपिक याद करना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फर्स्ट टाइम मीट 9 दिसंबर 1946। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी मिली तो वो दिन था 9 दिसंबर 1946, और उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था और वो डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान बने। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द ओनली 211 मेंबर डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। अच्छा, उस टाइम जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिंदर दास सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। जब हमारे पास 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद उनके वहाँ के प्रेसिडेंट बने असेंबली के। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णा माचार्य वो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट बने असेंबली के। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? HC मुखर्जी। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो दोनों थे हमारे पास, देर वॉज 2 वाइस प्रेसिडेंट, ये जो थे ये परमानेंट थे, उस वाले टेम्परेरी थे। टेम्परेरी हमारे पास प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिया। ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड अ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली। असेंबली के अंदर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन स्टार्ट करा। इसमें क्या था कि हम पूरे सोवरन हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर इट इज़ फर्म एंड सोलमनी रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवरन पीपल टू ड्रॉ द फॉर हर फ्यूचर और द कॉन्स्टिट्यूशन और आर पावर अथॉरिटी द सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि भाई अब इसमें क्या कहा था कि अब इंडिया जो है सोवरन कंट्री है और उसको अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। इट शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर टू द ऑल पीपल ऑफ इंडियन जस्टिस इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। तो तीन तरह के हमारे जस्टिस होते हैं, कौन कौन से? सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वर्कशिप वैकेशन एसोसिएशन एक्शन सब्जेक्टेड टू द लॉ पीपल्स। अच्छा, इसमें इस टॉपिक के अंदर आपको दो तीन चीज़ याद रखने की है। पहला है हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने मूव करा, वो करा जवाहरलाल नेहरू ने। कब करा? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये पहली बात आपको याद कर लो। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, किसके हाथ, ये जो हमारी इंडिया की जो पूरी पावर है ये किससे चलती है, मतलब हु इज़ ऑथराइज्ड, अथॉरिटी कौन है इसकी? तो हम बोलेंगे अथॉरिटी जो है वो है पीपल ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन 50 बार पेपर में आ चुका कम से कम। दूसरा, इसके अंदर जो और है, जो अभी लास्ट टाइम ही पेपर 2018 का जो पेपर हुआ था 19 का
18 वाला या 19 वाला, इसके अंदर 18 वाला बोले होगे आप यूपी पीसीएस का, उसमें था कि टाइप ऑफ जस्टिस कितनी टाइप की होती है। अब देखो जिसने ये लाइन पढ़ी थी वो तो करके आ गए, क्योंकि काफ़ी लोग सब थोड़े कन्फ्यूज हो गए थे भाई, सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिकल होता है, पॉलिटिकल, तो तीन तरह के जस्टिस थे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो, ये पीसीएस उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर आया रिसेंटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज मेड द थ्री चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। 1947 एक्ट आया, उसके बाद द असेंबली वाज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी विच इज कुड बी फ्रेम्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट द पास्ट एंड द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्लोग्रेट एंड अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। कह रहे हैं अब इंडिया पूरी तरह से सॉवरेन हो गई थी, असेंबली वाज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी एंड इट हैव अ पावर टू अल्टर और चेंज द लॉ मेड इट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द रिलेशन टू इंडिया। इंडिया के लिए जो भी रूल बनाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अब उसको चेंज कर सकते हैं, वो इतनी सोवरन है। द असेंबली आल्सो बिकम एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन अदर वर्ड टू सेपरेट फंक्शन वाज असाइन टू द असेंबली। अब ये चीज़ याद करने की है, जब असेंबली वहाँ बना करती थी तो असेंबली के दो उसके पर्पज हुआ करते थे। जब असेंबली मीट करती थी तो एक जो पर्पज था उनका, ये जो लिखा है इसके अंदर, द टू सेपरेट फंक्शन वाज असाइन टू द असेंबली दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनएक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ फॉर द इंडिया। एक तो वो जब असेंबली मीट हुआ करती थी जब वहाँ इंडिया के लिए लॉ बना करते थे, ठीक है, और दूसरी जो असेंबली मीट होती थी तो वहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट करती थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस प्रकार दिस द टू आस्क वाज परफॉर्म्ड द सेपरेट डेज, दस द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर वेन एवर द असेंबली मीट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। जब वो कॉन्स्टिट्यूट बॉडी की तरह मीट करती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसके हेड हुआ करते थे, जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करती थी मतलब जो ऑर्डिनरी लॉ बनाते थे तो जी वी मालेंकर उनके हेड बना करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के फंक्शन करते थे, जब वो ऑर्डिनरी लॉ बनाते तब, और तब बनाते थे कॉन्स्टिट्यूट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट करती तब, कॉन्स्टिट्यूट बॉडी जब बनती थी हमारे पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, और जब ऑर्डिनरी लॉ बनते थे मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तो हमारे जी वी मालेंकर थे। तो दिस टू फंक्शन वॉज कंटिन्यू टू द नवंबर 26, 1949 वैन द टास्क ऑफ द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ओवर। जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया जब तक ये इस तरह के फंक्शन दोनों चलते रहे, और हमारा टास्क कब खत्म हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट हुआ, पर फुल्ली अडोप्ट हमारा पास हुआ 26 नवंबर 1950 को। तो पेपर में आता कब अडोप्ट हुआ तो आप लिखोगे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इन एडिशन ऑफ द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडक्टिव एंड द ऑर्डिनरी लॉ, इसके साथ साथ भी तीन चार इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट डेट्स है कि इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ गेम में कब हुई, तो आप याद करो इट रेक्टिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 के अंदर इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ओके हुई। दूसरा है द अडोप्ट इट अडोप्टिड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। हमारा नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट हुआ था, July 22, 1947 को। नेशनल एंथम कब बना था, 24 जुलाई 1950 को। और नेशनल सॉन्ग कब हुआ था, जनवरी 1950 को। देखो उसमें गलती है, ये नेशनल फ्लैग जो है ना, हाँ चलिए ठीक है सही है, नेशनल फ्लैग जो है हमारे पास वो 22 जुलाई 1947 को है, कॉमनवेल्थ हमारा मई 1949 को है, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग ये दोनों हमारे पास है 24 जनवरी 1950 को। और एक और राजेंद्र प्रसाद जो बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी उसी टाइम बने थे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो आप तीनों याद हो गए, फ्लैग हमारा नेशनल फ्लैग कब है, 22 जुलाई 1947, द 22 जुलाई 1947। चलिए सारे बात हो गए, यहाँ पर छोटा सा और थोड़ा सा पार्ट रह गया, देन इट विल फिनिश। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना देखो लिखा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद वाज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैव द 11 सेशन ओवर द 2 ईयर, दो साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 11 सेशन हुए, 2 साल 11 मंथ 18 डेज लगे कंप्लीट होने में। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हैड द फाइनल सेशन एंड इट इज़ नॉट अ कंटिन्यू, और उसके बाद भी चलता रहा। 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ, पर लेकिन ख़त्म हुआ हमारे पास 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड 26 जनवरी 1949 कंटेनिंग द प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स आर्ट शेड्यूल, और
जब ये हमारे पास क्वेश्चन अडॉप्ट किया गया था उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 याद कर लो, शेड्यूल कितने थे 8। द प्रीएम्बल वाज इनएक्टेड विद द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनएक्टेड, द डे वाज रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द रिपब्लिक डे। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी वाज द स्पेसिफिक चूजन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 26 जनवरी को लागू किया गया था, तो कह रहे हैं 26 जनवरी कोई डेट क्यों रखी गई थी, वो इसलिए रखी गई थी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये था कि उस टाइम पे 1935 के अंदर स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, इसलिए हम 26 जनवरी को हमने कमिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखा था। ठीक है, लाहौर सेशन के दौरान 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड किया गया था, जिसको हम 26 जनवरी के तौर पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक ये थोड़ा सा पार्ट है कि कम्युनिटी के हेड कौन कौन थे। जितनी बड़ी कम्युनिटी सबके हेड जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, याद कर लो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी ने, हम कहते हैं आयरन मैन। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, वो थे हमारे पास सरदार पटेल। रूल ऑफ द प्रोसीजर कमेटी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी नेगोशिएटिंग विद द स्टेट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसमें क्या याद करो, पहले तो पढ़ो आप कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। एक हमारे पास जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो कमेटी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट कमेटी नेगोशिएटिंग विद स्टेट, वो थे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन पावर कमेटी के थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे। तो ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पूरी तरह से करा दिया है, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। उठाइए, क्वेश्चन करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।